इज पार्ट टू ऑफ द सीरीज। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने अपना इमेज एंड्रॉयड स्क्रीन पे ड्रॉ कर लिया था, तो इस पार्ट से हम लोग अपना गेम बनाना शुरू करेंगे। तो गेम बनाने के लिए हम लोगों को कुछ इमेजेस चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इमेजेस डिज़ाइन कर लिए हैं। पहला इमेज है ये बैकग्राउंड, जो हम लोग के गेम का बैकग्राउंड होगा। फिर ये है कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए स्प्राइट, दो इमेजेस है इसमें। दोनों इमेजेस को हम लोग बारी बारी से डिस्प्ले करेंगे तो लगेगा कि हम लोग का प्लेन एनिमेट हो रहा है। उसके बाद हम लोग को दो बटन चाहिए, जो हम लोग को कैरेक्टर को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए काम आएगा। तो ये सारे इमेजेस मैंने डिज़ाइन कर लिए हैं, और आप लोगों को ये इमेजेस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोग सारे इमेजेस को कॉपी करिए और अपने फोल्डर के रिसोर्स के अंदर ड्रॉएबल MDPI में इमेजेस को पेस्ट कर दीजिए। मैंने पहले से पेस्ट करके रखा हुआ है। अब हम लोग को ये समझना होगा कि इमेज एनिमेट कैसे होता है। तो एनिमेट वो क्या करते हैं, हम लोग इमेज को बार बार ड्रॉ करते हैं और बार बार उसका एक्स और वाई पोजिशन चेंज करते हैं, तो उससे इमेज अलग अलग जगह बार बार ड्रॉ होता है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इमेज एनिमेट हो रहा है। तो बार बार ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक थ्रेड यूज़ करेंगे। तो हम लोग गेम के लिए एक मेन थ्रेड यूज़ करेंगे। तो हम लोग एक न्यू जावा क्लास बनाएंगे, जावा क्लास, क्लास नेम गेम थ्रेड। ये हम लोग का जावा क्लास बन गया। क्योंकि एक थ्रेड है इसलिए हम लोग को इसमें थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना होगा, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्सटेंड्स थ्रेड। अब इस थ्रेड क्लास में हम लोग अपने गेम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेंगे, प्राइवेट गेम प्ले गेम, और एक बूलियन वेरिएबल लेंगे जिसे हम लोग को पता चलेगा कि गेम चल रहा है। तो उस वेरिएबल का नाम हम लोग रख देते हैं प्राइवेट बूलियन रनिंग इक्वल टू फॉल्स। अभी इसका वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब गेम अभी नहीं चल रहा। जब गेम चलेगा हम लोग इसको ट्रू कर देंगे, और जब हम लोग गेम बंद कर रहा होगा तब इस बूलियन वेरिएबल का वैल्यू फॉल्स कर देंगे, तो इससे हम लोग का गेम स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग गेम प्ले जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करेंगे। तो हम लोग इस क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक गेम थ्रेड गेम प्ले। अब दिस डॉट गेम प्ले विच इज रिफरिंग टू दिस वेरिएबल, दिस गेम प्ले, दिस डॉट गेम प्ले इक्वल टू गेम, सॉरी दिस डॉट गेम प्ले नहीं, दिस डॉट गेम गेम विच इज रिफरिंग टू दिस वेरिएबल इक्वल टू गेम विच इज रिफरिंग टू दिस वेरिएबल। तो एक गेम हम लोग का इनिशियलाइज हो गया। अब एक और मेथड बनाएंगे जिसमें हम लोग गेम को सेट करेंगे कि वो रन हो रहा है या नहीं। तो पब्लिक void सेट रनिंग, रनिंग इक्वल टू रन। तो इस मेथड को हम लोग, ये जो मेथड है इसको हम लोग अपने गेम प्ले से कॉल करेंगे और सेट रनिंग में ट्रू पास करेंगे तो रनिंग ट्रू हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि हम लोग का गेम रन हो रहा है। अब ये हम लोग का रेडी है। अब सबसे मेन मेथड जो है रन मेथड, जो थ्रेड के अंदर रहता है, तो हम लोग एक मेथड को ओवरराइड करेंगे। पब्लिक void रन, ये मेथड तब एग्जीक्यूट होता है जब हम लोग थ्रेड को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग लूप लेंगे और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग का गेम चल रहा है, और इस लूप के अंदर ही हम लोग अपने इमेजेस को बार बार ड्रॉ करेंगे जिससे लगेगा कि इमेज एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो जो काम हम लोग सरफेस क्रिएटेड में कर रहे थे वो अब हम लोग इस लूप के अंदर करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कैनवास सी इक्वल टू नल, उसके बाद हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक में काम करते हैं, क्योंकि अभी जो कोड मैं लिखने वाला हूँ वो एक्सेप्शन राइज कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो सी इक्वल टू गेम डॉट गेट होल्डर डॉट लॉक कैनवास, सेम वही काम जो हम लोग सरफेस क्रिएटेड में कर रहे थे, हम लोगों ने कैनवास को लॉक कर दिया। अब हम लोग सिंक्रोनाइज यूज़ करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि
कि अगर और भी थ्रेड हम लोग गेम में यूज़ करेंगे तो दो थ्रेड आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें, इसलिए हम लोग सिंक्रोनाइज यूज़ करें होल्डर। अब इसके अंदर हम लोग ड्रॉ करेंगे गेम डॉट ऑन ड्रॉ कैनवास। अब ट्राई के बाद हम लोग फाइनली के अंदर कैनवास को अनलॉक कर देंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन राइज हुआ तो फाइनली एटलीस्ट हम लोग का जो कैनवास वो अनलॉक हो जाए ताकि बाकी लोग उसे एक्सेस कर पाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इफ कैनवास नॉट इक्वल टू नल, अगर कैनवास नल नहीं है तो हम लोग उसे अनलॉक कर देंगे। तो हम लोग का थ्रेड का काम हो गया। अब क्योंकि ये लूप है, ये बार बार रन करता रहेगा तो ये बहुत सारा सीपीयू डिमांड करेगा, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये लूप थोड़ा धीरे धीरे चले ताकि सीपीयू पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े फ़ोन के। तो हम लोग लूप को स्लीप करेंगे, स्लीप के अंदर हम लोग 100 वैल्यू डाले, 100 इक्वल टू, 100 का मतलब होता है 1 सेकेंड का 10वां पार्ट। तो क्योंकि ये स्लीप भी एक्सेप्शन राइज कर सकता है इसलिए हम लोग इसे ट्राई और कैच से सराउंड करेंगे। तो हम लोग का थ्रेड का काम हो गया। अब ये ऑन ड्रॉ में देखिए एरर दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो हम लोग का आईडी है वो कंफ्यूज है कि कौन से मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक एनोटेशन ऐड कर देंगे तो ये एरर हट जाएगा। अब हम लोग का थ्रेड रेडी है, अब हम लोग गेम प्ले में जाएंगे। अब सरफेस क्रिएटेड में जो हम लोगों ने काम किया था उसे हम लोग डिलीट कर देंगे, और सरफेस जब क्रिएट होगा तब हम लोग अपने थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऊपर एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, प्राइवेट गेम थ्रेड, गेम थ्रेड। अब इसे हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे, न्यू दिस। हम लोग यहाँ पर गेम थ्रेड सेट रनिंग इक्वल टू ट्रू, मतलब जब हम लोग का सरफेस क्रिएट होगा तब हम लोग का गेम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने सेट रनिंग ट्रू कर दिया। अब उसके बाद हम लोग अपने थ्रेड को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट, हम लोग का गेम स्टार्ट हो गया। अब उस थ्रेड से हम लोग का गेम के जो इमेजेस हैं कैनवास से वो बार बार ड्रॉ होगा और हम लोग को लगेगा कैरेक्टर्स एनिमेट हो रहे हैं। तो अब क्योंकि हम लोग का ये जो कैरेक्टर है ये एक स्प्राइट सीट है तो ये पूरे इमेज को हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले हम लोग एक फ्रेम ड्रॉ करेंगे फिर दूसरा फ्रेम ड्रॉ करेंगे और ये रिपीट होता रहेगा, तो इससे लगेगा कि इमेज के पीछे जो फायर है वो ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा, तो लगेगा कि हम लोग का प्लेन एनिमेट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक और क्लास बनाएंगे, न्यू जावा क्लास प्लेयर स्प्राइट। इस तरह की शीट को हम लोग स्प्राइट बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इमेजेस रहते हैं। तो हम लोगों ने एक और क्लास बना लिया। अब इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट बीएमपी रोज। रोज हम लोग का एक है स्प्राइट सीट में, वैसे ही प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट। कॉलम्स हम लोग का दो है। अब प्राइवेट इंट एक्स इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, ये हम लोगों ने रोज डिक्लेयर किया और इसके बाद कॉलम्स डिक्लेयर किया। हम लोग के स्प्राइट में एक रो है और दो कॉलम है। उसके बाद हम लोगों ने एक एक्स और एक वाई डिक्लेयर किया, ये एक्स वाई हम लोग को बताएगा कि हम लोगों को अपने इमेज को स्क्रीन के किस पोजीशन पे डिस्प्ले करना है। उसके बाद हम लोग अपने गेम प्ले का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और
हमारे स्प्राइट सीट के लिए एक बिट मैप चाहिए होगा हम लोग, जिसमें हम लोग का स्प्राइट सीट होगा। और फ्रेम को ट्रैक करने के लिए हम लोगों को एक और इंटीजर टाइप वेरिएबल चाहिए होगा, जो बताएगा अभी स्प्राइट शीट का कौन सा फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोग के स्प्राइट शीट में दो फ्रेम है, तो पहला फ्रेम 0 होगा। उसके बाद हम लोग को विद और हाइट चाहिए होगा, प्राइवेट इंट विद विद और हाइट। जैसा कि मैंने बताया हम लोग विद निकालेंगे अपने बिट मैप के टोटल विद को नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड करके, और वैसा ही हाइट के लिए। अब हम लोग इस क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर हम लोग लेंगे, एक गेम प्ले जिसे हम लोग अपने गेम प्ले का ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिक्लेयर किया इसको इनिशलाइज करेंगे, और एक होगा बिट मैप जिसे हम लोग अपने बिट मैप को इनिशलाइज करेंगे स्प्राइट शीट को। तो हम लिखते हैं बिट मैप बीएमपी। अब यहाँ पर हम लोग अपने वैल्यूज को इनिशलाइज कर देंगे, दिस डॉट गेम इक्वल टू गेम, दिस डॉट बीएमपी इक्वल टू बीएमपी, दिस डॉट विथ इक्वल टू बीएमपी डॉट गेट विथ। ये मेथड हम लोग का जो इमेज है उसका टोटल विथ रिटर्न करेगा, उसको हम लोग नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड करेंगे। तो इसे हम लोग का एक फ्रेम का विथ निकल जाएगा। उसके बाद वैसे ही हम लोग करेंगे हाइट के लिए, ये कंस्ट्रक्टर का काम हम लोग का हो गया। अब हम लोग एक और मेथड बनाएंगे, इसमें हम लोग फ्रेम को अपडेट करेंगे। जैसे एक फ्रेम पहले डिस्प्ले हो चुका है तो उसके बाद इस मेथड को फिर से हम लोग कॉल करेंगे और फ्रेम का इंडेक्स अपडेट करेंगे, तो फिर दूसरा फ्रेम डिस्प्ले होगा। इससे हम लोग को लगेगा कि इमेज एनिमेट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे। और एक चीज़, हम लोग का जो इमेज है वो स्क्रीन के सबसे नीचे डिस्प्ले होगा और सिर्फ लेफ्ट और राइट में मूव करेगा, क्योंकि वो प्लेन है और सबसे नीचे रहेगा और लेफ्ट और राइट में मूव करेगा। तो हम लोग, जैसे हम लोग के स्क्रीन का टोटल विथ 100 है और हम लोग के इमेज का विथ 20 है, तो 100 में हम लोग 20 माइनस कर देंगे, तो टॉप से 80 पिक्सल्स नीचे हम लोग अपने इमेज को डिस्प्ले करेंगे। तो उसी तरह हम लोग y का पोजीशन यहाँ पर निकाल लेंगे, y इक्वल टू गेम डॉट गेट हाइट, गेम का हाइट माइनस हम लोग का इमेज का जो हाइट है, तो इससे y निकल जाएगा। और हम लोग करंट फ्रेम को अपडेट करेंगे, करंट फ्रेम इक्वल टू प्लस प्लस ये हम लोग का नेक्स्ट फ्रेम का वैल्यू रिटर्न करेगा, ये 0101 होता रहेगा, तो इसे हम लोग का इमेज लगेगा एनिमेट हो रहा। अब अपडेट वाला काम हो गया। अब सबसे मेन मेथड ऑन ड्रॉ, जिसको हम लोग कॉल करेंगे अपने गेम प्ले से, पब्लिक वॉइड ऑन ड्रॉ, इसमें हम लोग कैनवास ले लेंगे, इस कैनवास को हम लोग अपने गेम प्ले से पास करेंगे, अपडेट को कॉल कर लेंगे, ये ऊपर वाला मेथड जिसे हम लोग का फ्रेम इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग स्प्राइट सीट डिस्प्ले करते हैं तो हम लोग को रेक्टेंगल चाहिए होता है, दो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोग रेक्ट यूज करते हैं, रेक्ट src इक्वल टू न्यू रेक्ट, रेक्ट ये दो रेक्टेंगल हम लोग के पास। अब पहला रेक्टेंगल के लिए हम लोग को एक सोर्स एक्स चाहिए, मतलब इमेज के किस पोजीशन से वो रेक्टेंगल बनाएगा। तो सोर्स एक्स होगा इंट करंट फ्रेम इंटू विथ,
int source y equal to 0. तो अब ये source rectangle है, इसमें चार parameter होगा. सबसे पहले source x कहाँ से लेना है और source y. अब source x और source y और कहाँ तक लेना है, तो source x plus width, हम लोग का जो width है वहाँ तक लेगा और वैसे ही y के लिए width. और दूसरे rectangle के लिए हम लोग x और y, मतलब हम लोग के screen का x y है ये, जहाँ पर हम लोग को डिस्प्ले करना, और वैसे ही x plus width और y plus width, इससे हम लोग का पूरा इमेज डिस्प्ले हो जाएगा. अब इस रेक्टेंगल को हम लोग कैनवास पे ड्रॉ करेंगे. उसके लिए हम लोग सेम मेथड यूज़ करते हैं, कैनवास ड्रॉ बिट मैप. पहला हम लोग का बीएमपी हो जाएगा, दूसरा सोर्स, फिर डेस्टिनेशन और पेंट को अभी नल रखते हैं. तो ये हम लोग अपडेट किया, फिर सोर्स एक्स सोर्स वाई और दो रेक्टेंगल, उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया कैनवास पे. तो हम लोग का स्प्राइट शीट का काम हो गया. तो ये हम लोग का स्प्राइट शीट है और ये इसका कॉर्नर पॉइंट एक्स वाई जीरो जीरो है, ये जीरो जीरो है. अब इस इमेज का टोटल विथ निकालने के लिए हम लोगों ने गेट विथ मेथड यूज किया है. ये गेट विथ इस बीएमपी का टोटल विथ रिटर्न करेगा और हाइट भी वैसे ही टोटल हाइट रिटर्न करेगा. उसके बाद सपोज करते हैं कि गेट विथ 100 रिटर्न किया है और हाइट 80 रिटर्न किया. ये जितना एक्चुअल में विथ और हाइट होता है उतना ही रिटर्न करेगा, हम लोग बस समझने के लिए कोई वैल्यू मान ले रहे हैं. उसके बाद क्योंकि हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ दो फ्रेम है, दो कॉलम है और एक रो है, और दोनों फ्रेम का विथ और हाइट इक्वल है, तो एक फ्रेम का विथ निकालने के लिए हम लोग टोटल विथ को नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड कर देंगे. तो हम लोग का एक फ्रेम का ये विथ निकल जाएगा, ये विथ हम लोग का निकल जाएगा, और वैसे ही हाइट के लिए. लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही रो है तो वन से डिवाइड होगा और हाइट वही रह जाएगा, और विथ 100 है ये टू से डिवाइड होगा और 50 आ जाएगा. तो यहाँ से यहाँ तक का विथ सपोज करते 50 है. तो क्योंकि हम लोगों ने बीएमपी रोज और कॉलम्स का फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया था, रोज हम लोग का एक है और कॉलम्स दो है, और वैसे ही हम लोग विथ निकालने के लिए गेट विथ डिवाइडेड बाई बीएमपी कॉलम्स करके विथ एक फ्रेम का हम लोगों ने निकाल लिया, और वैसे ही हाइट के लिए हम लोगों ने हाइट डिवाइडेड बाई बी एम पी रोज, तो हाइट 80 है और वो 1 से डिवाइड होगा तो 80 ही रह जाएगा, और विद हम लोग का 100 था और वो 2 से डिवाइड होगा तो 50 हो जाएगा. तो ये हम लोग का एक फ्रेम निकल जाएगा, यहाँ से एक फ्रेम हम लोग का ये निकल जाएगा. उसके बाद अब ये दो फ्रेम है, यहाँ ये है फ्रेम 0 और ये है फ्रेम 1. तो हम लोग फ्रेम को कैसे ट्रैक करेंगे, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया करंट फ्रेम इक्वल टू 0, और अभी इसका वैल्यू 0 है. और अपडेट करने के लिए फ्रेम इंडेक्स हम लोगों ने यूज़ किया है करंट फ्रेम इक्वल टू प्लस प्लस करंट फ्रेम मॉड्यूलस बीएमपी कॉलम. तो हम लोग जानते हैं करंट फ्रेम का वैल्यू 0 है, तो ये प्लस प्लस करंट फ्रेम इस वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा और 0 1 हो जाएगा. और 1 मॉड्यूलस कॉलम्स का वैल्यू हम लोग का 2 है, तो 1 मॉड्यूलस 2 हम लोग का 1 रिटर्न करेगा. तो करंट फ्रेम का वैल्यू 1 हो जाएगा. तो अब 1 होके ये दूसरे फ्रेम में आ गया, वैल्यू 1 हो गया. वैसे ही अब जब करंट फ्रेम का वैल्यू 1 है तब प्लस प्लस करंट फ्रेम होगा, तो 1 बढ़ के 2 हो जाएगा और 2 मॉड्यूलस 2 0 रिटर्न करेगा, और इसका वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर आ जाएगा, और ये लूप चलता रहेगा और हम लोग को लगेगा कि हम लोग का ये फायर है, ब्लिंक हो रहा है. तो इस तरह हम लोग फ्रेम को ट्रैक करने के लिए अपडेट में ये लाइन का कोड लिखा हम लोगों ने, करंट फ्रेम इक्वल टू प्लस प्लस करंट फ्रेम मॉड्यूलस बी एम पी कॉलम्स. अब फ्रेम को स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले करना है, स्क्रीन पे फ्रेम को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहला रेक्टेंगल हम लोग ले रहे हैं सोर्स, तो सोर्स एक्स ये पहला पॉइंट है जहाँ एक्स और वाई जीरो जीरो है, क्योंकि हम लोग का रो तो एक ही है, तो वाई इसी लाइन में हमेशा जीरो रहेगा, इस लाइन में वाई, लेकिन एक्स चेंज होगा. तो पहली बार जब एक्स जीरो है तो उसको हम लोग विथ से मल्टीप्लाई, करंट फ्रेम इंटू विथ कर रहे हैं सोर्स एक्स निकालने के लिए. तो करंट फ्रेम जब हम लोग का जीरो रहेगा, मतलब जब हम लोग को ये वाला फ्रेम डिस्प्ले करना है, तो उसको हम लोग विथ से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का एक्सिस का वैल्यू निकालने के लिए. तो करंट फ्रेम जीरो है और विथ हम लोग का 50, तो 0 50 से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही रिटर्न करेगा. तो हम लोग का एक्स का पॉइंट यही रहेगा और वाई तो हम लोग का हमेशा जीरो ही है. तो पहला फ्रेम के लिए हम लोग का एक्स और वाई, सोर्स एक्स और सोर्स वाई हो जाएगा 0 0. उसी तरह
जब फ्रेम का वैल्यू वन रहेगा तो हम लोग करंट फ्रेम इंटू विथ जब करेंगे तो विथ 50 है और करंट फ्रेम 1 है तो x का वैल्यू 50 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाएगा 50 जीरो पे, और y तो हमेशा जीरो ही रहना। उसी तरह हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्ट सोर्स x सोर्स y और x प्लस विथ, विथ हम लोग को फ्रेम का पता है, यहाँ से हम लोगों ने x शुरू किया और यहाँ से 50 तक गए तो ये हम लोग का पूरा फ्रेम आ गया, और वैसे ही हाइट के लिए तो ये हम लोग का पूरा फ्रेम ड्रॉ हो गया, और वैसे ही नेक्स्ट फ्रेम भी हम लोग का ड्रॉ हो जाएगा। और फ्रेम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम लोग एक और रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं, रेक्ट डीएसटी, जो स्क्रीन का एक्स और वाई पोजीशन लेगा और एक्स प्लस विथ और वाई प्लस हाइट, सॉरी यहाँ पर मैंने विथ लिख दिया, ये हाइट होगा वैसे ही। और इस रेक्टेंगल को स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए हम लोग वैसे ही ड्रॉ बिट मैप मेथड यूज करेंगे, जो चार पैरामीटर लेगा, पहला बिट मैप इमेज, उसके बाद सोर्स रेक्टेंगल और डेस्टिनेशन, और चौथा में पेंट होता है तो वो अभी नल है हम लोग का। अब क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का प्लेन स्क्रीन के बॉटम पे हो, तो बॉटम के लिए वाई एक्सेस निकालने के लिए हम लोग टोटल स्क्रीन का जो हाइट है उसको इमेज के हाइट से माइनस कर देंगे, तो हम लोग का वाई निकल जाएगा। अब लोग आते हैं गेम प्ले पे, हम लोगों ने थ्रेड को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने माई कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन हम लोगों ने पिछली बार एंड्रॉयड का डिफॉल्ट आइकन लिया था, तो हम लोग को ये आइकन नहीं, अपना प्लेयर चाहिए, तो इसके लिए हम लोग माई कैरेक्टर को रीनेम कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं प्लेयर, प्लेयर कर देते हैं, और इसका नाम भी यहाँ पर प्लेयर कर देते हैं। अब इस प्लेयर को हम लोग अपने स्प्राइट सीट में भेजेंगे, तो माई प्लेयर, सबसे पहले हम लोग ऊपर में अपने स्प्राइट सीट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग प्राइवेट प्लेयर स्प्राइट माई प्लेयर, ठीक है, नीचे हम लोग माई प्लेयर इक्वल टू न्यू प्लेयर स्प्राइट दिस और प्लेयर, इससे हम लोग का प्लेयर इनिशियलाइज हो जाएगा। ये जो यहाँ से हम लोगों ने माई प्लेयर से न्यू प्लेयर स्प्राइट क्लास को कॉल किया, तो ये इस क्लास में जाएगा और इसके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पर से हम लोग का गेम प्ले का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और वो बिटमैप आ जाएगा जो हम लोगों ने भेजा, और बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। अब हम लोग कैनवास यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग माई प्लेयर का ऑन ड्रॉ मेथड को कॉल करेंगे, और इसमें हम लोग अपने कैनवास को पास कर देंगे, तो इससे हम लोग का प्लेयर ड्रॉ हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्ले करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, तो ये हम लोग का कैरेक्टर अपने स्क्रीन के बॉटम पे आ गया, और ये इसका फायर ब्लिंक कर रहा है जिससे हम लोग को लग रहा है कि इमेज एनिमेट हो रहा है। अब बैकग्राउंड अभी भी ब्लू है, लेकिन हम लोगों ने एक बैकग्राउंड डिज़ाइन किया है, बैकग्राउंड हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, ये हम लोग का बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में हम लोग इस इमेज को ड्रॉ करेंगे, तो इस इमेज को बैकग्राउंड में ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक और बिटमैप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट बिटमैप बैकग्राउंड। अब इस बिटमैप को हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग अपने बिटमैप को इनिशियलाइज कर लेते हैं, बैकग्राउंड इक्वल टू बिटमैप फैक्टरी डिकोड रिसोर्स, वैसे ही गेट रिसोर्सेस और आर डॉट ड्रॉएबल, ड्रॉएबल डॉट बैकग्राउंड, ये हम लोगों ने अपना इमेज ड्रॉएबल फोल्डर में पहले से ही पेस्ट करके रखा हुआ है। अब कैनवास पे हम लोग इस ड्रॉ कलर की जगह ड्रॉ बिटमैप करेंगे, ड्रॉ बिटमैप हमारा बैकग्राउंड
एक्स और वाई 0 0, ताकि स्क्रीन के एकदम टॉप कॉर्नर से हम लोग का बैकग्राउंड ड्रॉ होगा और पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा। और नल, अब वापस इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। मैं सेलेक्ट कर लिया, ये हम लोग का बैकग्राउंड बैकग्राउंड में आ गया और ये हम लोग का इमेज बॉटम में आ गया। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इस पे हम लोग कंट्रोल कैसे डालेंगे, ये लेफ्ट और राइट ये हम लोग का प्लेन मूव करेगा तो वो हम लोग कैसे करेंगे ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग को इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से मेरे ब्लॉग पोस्ट में देख सकते हैं और सोर्स कोड और इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू।